بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المويد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات على محمد وآله سب سے پہلے آج کی یہ مجلس جس میں ایصال ثواب کا بھی مرحلہ ہے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم و مغفور سید حسن رضا زیدی ابن حامد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں ایام عزا کے تعلق سے جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ آج میرے عشرے کی آخری مجلس ہے لیکن کل سے دوسرا سلسلہ شروع ہوگا جس میں اس سے بہتر طریقے سے آپ سے شرکت کی التماس ہے اور اسی کے ساتھ کمیٹی انتظامیہ اور ذمہ داران جو ہیں وہ حکومتی اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سہولت بخشی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان ایام میں صدیق طاہرہ کے لال کا ماتم کریں اور ان کا غم منائیں اسی طریقے سے اوقاف جعفریہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا تعاون دیا اور ہمارے کچھ بچے جو سامنے نہیں ہیں پیچھے رہ کر کے خدمت انجام دیتے ہیں محنت کرتے ہیں والنٹیئرز ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی محنتوں کی بنیاد کے اوپر یہ کام آسانی سے ممکن ہوتا ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ
सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर सी हदीस, जिसे उन्वान बना के मैंने आपके सामने कुछ बातें खिदमत में गुजारिश की, और मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े हौसले से हमारी गुफ्तगू को समाअत फरमाया। आज हमारी यह आखिरी अर्ज है, गुजारिश है। जाहिर सी बात है कि इस हदीस के ताल्लुक से और मौला के फजाइल के ताल्लुक से जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बयान किया, मैंने अपने बकदर ज़र्फ आपके सामने मसाइल रखे। बहुत कुछ बाकी है जो इंशाल्लाह आप दूसरे मुकर्ररीन से इस्तेफादा करेंगे। मैंने जिस उन्वान के तहत आपको ज़हमत दी वो ये है कि अली का ज़िक्र इबादत है, और ये बात किसी गैर जिम्मेदार ने नहीं कही। जिसके नाम पर पूरे इस्लाम का एतबार है, जिसके कहने से हमने कुरान को कुरान समझा, जिसके मुताबिक हमने हदीस को हदीस समझा, जिसके बयान के मुताबिक हमने नमाज को अहमियत दी, हमने वाजिबात को नज़र में रखा, मुस्तहबात की पाबंदी की, उसी ने यह बयान किया है कि अली का जिक्र इबादत है। मैं जो अपने बच्चों से मुखातिब हूं, जाहिर सी बात है हमारे बड़े हमसे बेहतर जानते हैं, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं कि अली के जिक्र को किस तरह लिया जाए कि हमारी जिंदगी उनके जिक्र से इबादत बन जाए। मैंने एक जुमला कहा है, इसकी मानवियत पर गौर कीजिएगा, कि जब अली का जिक्र इबादत है तो जिक्र करना भी इबादत होगा, जिक्र सुनना भी। और जाहिर सी बात है कि यह न जिक्र करने के लिए है, न सिर्फ जिक्र सुनने के लिए है, बल्कि अमल करने के लिए है। जब अली के तस्करे और अली के फजाइल, अली के मनाकिब, अली की सीरत, अली की सुन्नत, अली का तर्ज हयात, अली का तर्ज बंदगी हमारी जिंदगी में आ जाएगा, तो हमारी जिंदगी भी आम जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए कि जब हमारी जिंदगी में अली की हयात का अक्स दिखाई देगा तो फिर हमारी जिंदगी भी इबादत बन जाएगी। तो हम क्या करें, कैसे करें? मौलाए कायनात के जितने फजाइल, जितने मनाकिब, वो सब पैगाम रखते हैं, उनमें दर्स है, उनमें सबक है। हम सिर्फ उसे सुन के गुजर न जाएं, बल्कि देखें कि उसमें हमारा हिस्सा क्या है। इसलिए कि अली सिर्फ अपने फजाइल पर राजी नहीं हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में हमारी हयात का भी एक उन्वान है, हमारे इरशाद का, हमारी रहनुमाई का, हमारी इमामत का भी एक हिस्सा है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनकी जिंदगी से तोशा लें और अपने को ऐसा बनाएं कि लोग अली वाला समझने लगें। आज मैंने पहले भी इशारा किया है कि इंसानी जिंदगी में फख्र व इफ्तिखार, खानदान के एतबार से, मुल्क व मिल्लत के एतबार से, जबान के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, इलाके और मंतिके के एतबार से, इंसान के अंदर एक बात पाई जाती है कि वो अपने आप को ऊंचा समझता है।
लोग इनके सारी से काम लें वो अलग है, लेकिन एक तसव्वुर है कि जैसे हम हैं वैसा कोई नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारा खानदान अच्छा है, हमारा घर अच्छा है, हमारे अफराद अच्छे हैं, यकीनन अच्छे होंगे। मकाम फख्र और मकाम शुक्र ये दो अलग अलग चीजें हैं। जहां कोई फजीलत और कोई मनकबत इंसान के हिस्से में आती है अपने इख्तियार के जरिए से, वहां तो इंसान फख्र कर सकता है। बच्चे ने तालीम हासिल की, लोग तारीफ करते हैं। बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, लोग तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। तो तारीफ किस चीज की जाती है? जो इंसान अपनी तगो दो से, अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, अपनी सही कोशिश से हासिल करता है। हम इस बात के ऊपर अकड़े हुए हैं कि हमसे बड़ा अच्छा कोई खानदान नहीं है, तो यह खानदान आपने अपनी कोशिशों से हासिल किया है? ये तो करम परवरदिगार है कि उसने आपको इस खानदान में पैदा कर दिया, वरना कहीं और भी डाल देता। यह हमारे इख्तियार की बात नहीं है। हम किस चीज के ऊपर फख्र इफ्तिखार कर रहे हैं? अपने रंग के ऊपर, अपने कद कामत के ऊपर, जो हमारे अपने इख्तियार की चीज नहीं है। जो इख्तियारी अमल है उसके सिलसिले में हमने देखा कि अली का तर्ज जिंदगी, अली का तर्ज हयात क्या है। खैबर उखाड़ना यह गैर इख्तियारी अमल नहीं है, लेकिन अली को फख्र करते हुए नहीं देखा हमने। और अगर लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बयान भी किया है तो खुद इनकसारी करते हैं कि हमने जो ये खिदमत अंजाम दी है अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं, बल्कि रब्बानी कुव्वत की मदद से हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। मा कले तो बाब खैबर मिन कुव्वत जिस्मानिया बल कले तो हा मिन कुव्वत रब्बानिया। मैंने जिस्मानी कुव्वत से नहीं, अब यहां के ऊपर फजीलत का एक दूसरा गोशा हमारे सामने आता है कि यह कुव्वत रब्बानिया भी अली को मिली कैसे? भाई किसी दूसरे को मिल जाती, ये खुद एक तौफीक तलब करती है कि जिससे अली से ये चीज मखसूस हो जाती है। यानी अली में कुछ ऐसी खसूसियत है कि कुव्वत रब्बानिया भी उसी के साथ मखसूस होती है। यानी अपने को ऐसा बनाओ कि कुव्वत रब्बानिया तुम्हारे साथ हो जाए। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खंदक में जहां सब सर झुकाए बैठे हुए हैं, तारीख कहती है कि ऐसा लगता था जैसे सरों पर तायर बैठे हैं। यह एक मुहावरा है, सरों पर तायर बैठना, यह इंसान के लिए नहीं है, यह जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इजाजत दे तो मैं आपको ले चलूं। जब सुबह होती है तो जाहिर सी बात है कि जानवरों के पास उंगलियां और नाखून नहीं है कि वो अपनी रुतूबतों को जो जम जाती है अपने कान से, अपनी आंख से निकाल के बाहर करें। तो कुछ परिंदे आते हैं जो ये कारोबार अंजाम देते हैं, तो वो कोई मुजाहमत नहीं करते हैं कि ये चले ना जाएं, इसलिए कि भाई इन्हीं का काम करने आए हैं। अगर वो इधर उधर अपना सर हिलाएंगे तो परिंदे डर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। तो वो अपने सर को बिल्कुल एक जगह रखते हैं कि हिलने ना पाए। हिलेंगे तो हमारे ये खिदमतगार जो है वो उड़ जाएंगे। सरों पे तायर बैठने का मतलब ये है कि अगर सर हिला तो तायर उड़े और फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। पैगंबर की बज़्म
बड़े मोहतरम अफराद, जान देने वाले, जान कुर्बान करने वाले, सदके हो जाने वाले, माल जो है वो राह खुदा में कुर्बान कर देने वाले, मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई उठता हुआ नहीं दिखाई देता है। उठा भी तो उसकी हौसला शिकनी की जा रही है कि अली तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है। अली ने आवाज दी, मुझे पता है, इसलिए कि मेरा ताल्लुक उस जात से है जिससे बड़ा कोई नहीं है, लिहाजा मारका आपके सामने है, आपकी निगाहों के सामने है। अली ने इस मरहले को भी तय किया जहां के ऊपर लोगों की जान निकली जाती थी कि कहीं रसूल की नजर हम पर न पड़ जाए और कह दें कि जाओ, इसलिए कि अगर कह दिया तो जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे कैसे, दिल में डर बैठा हुआ है, न खुद जा रहे हैं और न दूसरों के जाने पर राजी हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हजार सिपाहियों के मुकाबले में अकेला भारी पड़ता है। इससे भी सुना रहे हैं कि एक जंग में इसकी ढाल गिर गई थी तो एक ऊंट का बच्चा उठा लिया था बतौर ढाल बतौर सिपर। तो जो इतना बहादुर हो, इतना कवि हो, इतना ताकतवर हो, उसके मुकाबले में कौन जाएगा, वही जाएगा जिसे सरफरोशी की तमन्ना है और जो खुदा की राह में अपने नफ्स का सौदा कर चुका है, जब बेच चुका है तो अब उसके पास कुछ नहीं है जो दोबारा बेचेगा, लिहाजा वो जाता है और जाके कारनामा अंजाम देता है, लेकिन फख्र इफ्तिखार करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो बद्र से लेकर के जितनी लड़ाइयां हुई हैं और जितने मारके हुए हैं उन सब में अली ने कामयाबी हासिल की है, चाहे मुसलमानों की शिरकत उसमें हो और चाहे न हो, लेकिन अली की कामयाबी सरे फहरिस्त रही। लेकिन कहीं भी अली ने अपने इस इख्तियारी अमल में कहीं भी न फख्र किया है, न इफ्तिखार किया है और न कहीं अकलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? इसलिए कि अली आवाज दे रहे हैं कि हमारा अंदाज जिंदगी कुछ और है, हम अपने किए हुए के ऊपर भी नहीं अकलते हैं जो इख्तियारी अमल है, चे जाए के वो जो गैर इख्तियारी अमल है उसको हम अपने लिए मौरिद और उनवान बनाए। तो अजीजान गिरामी, इख्तियारी अमल के ऊपर भी अली के यहां कोई फख्र इफ्तिखार नहीं पाया जाता है। तो जितने मारके अंजाम दिए सब आपकी निगाहों के सामने हैं, लेकिन क्या अली के यहां कोई फख्र इफ्तिखार नहीं है? यहां तक मैं आपको लाना चाह रहा था। अली फख्र इफ्तिखार करते हैं या नहीं करते हैं? हां, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो ढूंढें, मकाम तलाश करें कि अली की निगाह में खैबर उखाड़ लेना, खंदक फतह कर लेना, जालिमों को मार के उनके ऊपर फतह हासिल कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बड़ी चीज क्या है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा की बारगाह में सजदरेज होने के बाद एक मुनाजात है जो गूंज रही है, कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा व कफा बी फखरन अन तकून लना रब्बा। परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। ये जो बाज खन्नास नुसैरियत को फैला रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं बहकावे में ना आए, ये समझते हैं कि हम अली को फजीलत दे रहे हैं जबकि ये अली को झुठला रहे हैं। अली कह रहे हैं मैं बंदा हूं, झुठला रहे हैं। कहते हैं कि मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि अन अकून लना अब्दा, अन अकून लका अब्दा, मैं तेरा बंदा हूं। तेरा बंदा हूं
यानी मेरी इज्जत इसी में है कि मैं इधर उधर नहीं जाता हूं, मैं किसी और का बंदा नहीं हूं, मैं तेरा बंदा हूं। जो खुदा का बंदा होता है वो खुदा की तरह होता है। खुदा ने हदीस कुदसी में आपके निगाहों के सामने है कि अब्दी अतेनी अजअलका मिसली, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं, मैं तुझे अपना मजहर बना दूं। अब्दी अतेनी, मेरी इताअत कर, इताअत की राह में मेरे करीब आ जा। अजअलका मिसली, मैं तुझे अपनी जात का, अपने सिफात का मजहर बना दूं। तो अली आवाज देते हैं कि अली वो बंदा है जो खुदा की अब्दियत के जेर साया जिंदगी गुजार रहा, वो दर दर की ठोकर नहीं खाता है, वो तेरा बंदा है। उसके बाद फरमाते हैं, वकफा बी फकरन अन तकून लना रब्बा, और मेरे लिए ये बायस फख्र है कि तू मेरा परवरदिगार है। उसके बाद जो जुमला मिलता है उसको गौर से सुनिएगा, इलाही अंता कमा उहिब, परवरदिगार तू मेरा आइडियल मालिक है, मेरा आइडियल परवरदिगार है, जैसा मैं चाहता था तू वैसा ही खुदा है। ये अली की शनाख्त है, ये अली की मारिफत है, ये अली की पसंद है। अब अगर अली वाले इस खुदा की बंदगी ना करेंगे तो फिर किसकी बंदगी करेंगे? सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही अंता कमा उहिब, परवरदिगार तू वैसा ही माबूद है जैसा मैं चाहता था। उसके बाद का जुमला सुनेंगे, फजअलनी कमा तुहिब, तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यहां तक मैंने अली की मुनाजात बारगाह खुदा में आपके सामने पेश की, इससे कुछ हासिल हुआ या नहीं? यानी तरीका यह है कि अली फख्र व इफ्तिखार जंगों में नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि बंदगी या परवरदिगार में ढूंढ रहे हैं। यानी अगर कोई बंदा बन जाए तो यह फख्र की बात है, कोई अपने रब को राजी कर ले तो यह इफ्तिखार की बात है। परवरदिगार तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, अब मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अजीजाने गिरामी, यहां के ऊपर रुक करके मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं मौलाए कायनात की खिदमत में कि तुम हमारे वैसे ही मौला हो जैसे हम चाहते थे। अब खुदा से दुआ करो कि परवरदिगार हमें वैसा ही बना दे जैसे तुम चाहते हो। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फजअलनी कमा तुहिब, ये अली की आवाज है, ये अली की मुनाजात है, यह रात के सन्नाटे में गूंजती है, मलाइका सुनने के लिए बेचैन है। अगर हम दिल के गहराइयों से इस मुनाजात को पढ़ें, पहली बात तो हमारी जबान इस लायक नहीं है कि इन जुमलों को दोहराएं, लेकिन मासूम ने हमें इजाजत दी है, शबे जुमा है। आप ज्यारत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ज्यारत में एक जुमला है, या लैतनी कुन्ना माकुम, कितना बड़ा जुमला है, कभी इसके बारे में सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर मासूम ने इजाजत न दी होती तो हम अपने अंदर टटोलने के बावजूद इस जुमले को अपनी जबान के ऊपर दोहरा नहीं सकते थे। इसलिए कि इस जुमले के कहने का मतलब यह है कि हम हबीब की हमसरी कर रहे हैं। और किया है आपने? इस जुमले का मतलब यह है कि हम जुहैर की हमसरी कर रहे हैं। काश जैसे जुहैर, जैसे हबीब, जैसे बुरैर,
जैसे अबू समामा, जैसे ये सब थे वैसे हम भी वहां होते। थोड़ी सी बारिश हो जाती है हमारा मिजाज बदल जाता है, थोड़ी सी हवा चल जाती है इरादे तब्दील हो जाते हैं। बरसते तीरों में सरकारे सैयदुश्शोहदा की पेशानी के ऊपर, अबरुओं के ऊपर नजर रखना और उनके हुक्म की तामील और उनके मंशे को बजा लाना, यह सिर्फ असहाब हुसैनी का कारनामा था, किसी से मुमकिन नहीं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपना सफर शुरू करें, बंदगी का सफर। बंदगी का सफर कहां से शुरू होता है? अली का सफर कहां से शुरू हुआ? परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, मेरे इफ्तिखार के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। रिश्ता कायम हो गया, अपनी पसंद का भी इजहार कर दिया, परवरदिगार तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, मेरा आइडियल खुदा, मेरा नमूना खुदा, अब तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। हमारी बंदगी का सफर शुरू हो। बंदगी के सफर का मतलब यह है कि खुद अपने नफ्स से गुजर जाना। दिल चाहता है सुबह नमाज के वक्त ज्यादा नींद आती है, बुजुर्ग कहते हैं कि शैतान पैर दबाता है ताकि बंदा सोता रहे। एक बात है, शैतान अपने मिशन में बड़ा सच्चा है, उसे मालूम है कि जिस बंदे से हम गुनाह करवा रहे हैं जब इसमें पशेमानी का एहसास हो जाएगा तो ये तौबा करके अपने आप को पाक कर लेगा, लेकिन हारता नहीं है। और एक तरकीब और भी है उसके पास कि अभी तौबा करने की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, ये रोज रोज तौबे का झंझट एक साथ करेंगे। तौबे को ताखीर में डालता है ये, और एक दिन वो आता है कि जब बंदा बगैर किसी आहट के मौत के चंगुल का शिकार हो जाता है और तौबे से महरूम रह जाता है। तो सुबह उठना ये नफ्स के खिलाफ है या नहीं है? नफ्स कहता है सो जाओ, अक्ल कहती है, रब कहता है, रसूल कहता है, इमाम कहता है, शरीयत कहती है, कानून कहता है, कुरान कहता है, उठो। अब यहां के ऊपर इंसान में दो दिली पैदा होती है, उठें न उठें, उठें न उठें। आप जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा, आपका वोट बैलेंस है, आपका वोट जो है वो बैलेंस है। फरिश्ते कहते हैं उठ जाओ, शैतान कहता है सोते रहो। अब हम किसको जिताना चाहते हैं? अगर शैतान को जिता दिया तो जिसको जिताया है उसी पार्टी में रहेंगे, दूसरी पार्टी में तो नहीं रहेंगे। और शैतान की पार्टी जो है वो हमेशा मगलूब है, गालिब नहीं है। अगर गालिब है तो वो पार्टी गालिब है जिसे अल्लाह की पार्टी कहा जाता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने एक बतौर मिसाल नमाज को आपके सामने पेश किया है। ऐसी रोजा है, गर्मी में रोजा, ठंडा ठंडा शरबत दिखाई दे रहा है, झुलस के धूप से हम बाहर से आए हैं, दिल चाहता है कोई देखने वाला नहीं है, पी लें। एक बात बताइएगा, कुरान की आयत में जहां रोजे का हुक्म है एक जुमला है लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा इसलिए फर्ज किया गया है कि शायद तुम परहेजगार बन जाओ।
अजीजो माह मुबारक आता है और इंसान परहेजगार बन जाता है। वो लोग जो रोजा रखते हैं, पता नहीं क्या बात है कि वो खुदा को देखने लगते हैं। एक जुमला कह रहा हूं, खुदा को देखने लगते हैं। अकेले कमरे में खाना भी है, पानी भी है, अगर इंसान चाहे तो खा पी के भी पूरे समाज के ऊपर एहसान जता सकता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, लेकिन फिर भी न खाता है न पीता है। और आप क्या हैं? वो बच्चे जो जिद करके रोजा रख लेते हैं, माएं प्लेट लिए उनके पीछे घूमती रहती हैं, बेटा खा लो, जो मां के कहने से न खाए वो अपने से क्या खाएगा? ये कौन सी चीज है जो इसे खाने से रोक रही है? अजीजान गिरामी, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूं ताकि वक्त के दायरे में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। ये कौन सी बात है जो इंसान को इस बात से रोक रही है कि देखने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद ये खा नहीं रहा है, उसके बावजूद ये पी नहीं रहा है, अपने रोजे को तोड़ नहीं रहा है? थोड़ा सा तकवा पैदा हो गया है इस ख्याल के तहत कि जिसका रोजा रखा है वो देख रहा है। अगर इसी जज्बे को और इसी नजर को थोड़ी सी तकवियत दे दी जाए कि वो खुदा जो माह रमजान में देखता है वो शव्वाल में भी देखता है, वो ज़िलहज में भी देखता है, ज़िलहज में भी देखता है, मुहर्रम में भी देखता है, सफर में भी देखता है, वो कभी अपनी निगाहें झुकाता नहीं है, सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, वो सबको देखता है। और सिर्फ देखता नहीं है बल्कि दिलों की नीयत से वाकिफ है, दिलों के जज्बात से वाकिफ है। तो जो माह मुबारक रमजान में जज्बा पैदा हुआ था, अगर उसी को परवान चढ़ा दिया जाए तो उसी का नाम तकवा है। इसके अलावा कोई अलग की चीज तकवा नहीं है। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इंसान अभी रोजा रखा नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ है, तक्वा आ गया, गुनाह करेगा तक्वा चला जाएगा। तो माह मुबारक में लअल्लकुम तत्तकून का असर होता है। अब इस आए हुए तक्वे को बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि अगर हमने न बचाया तो फिर हमारा और अली का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया था कि हम हैं मुत्तकी, अली हैं इमामुल मुत्तकीन। इमाम और मामूम का रिश्ता तकवे की बुनियाद के ऊपर है। अगर दोनों में रिश्ता है तब तो यह जमात कायम है, वरना अगर रिश्ता खत्म हो जाएगा तो न वो हमारे इमाम न हम उनके मामूम। लिहाजा अली जैसा बनना यह हमारी जरूरत है, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग कहते हैं हम कहां अली कहां, वो धोखा दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम कहां और अली कहां, लेकिन उनके जैसा अमल करना। देखें, एक चीज है अमल और एक चीज है रूह है अमल। यकीनन अली के अमल में जो रूह है वो आपके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अली के जैसा अमल तो मुमकिन है। चार रकत नमाज अगर अली ने पढ़ी है तो चार रकत आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? हां, इतनी तवज्जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं कि आपके पैर से तीर निकाल लिया जाए, लेकिन कम से कम पढ़ना तो जरूरी है। तो अली जैसा बनने की कोशिश करना जरूरी है, वरना हमारी नजात नहीं है। अली की इमामत के ज़ेर साया हमें क़यामत में मशहूर होना है। यौम नदऊ कुल्ल उनासिम बे इमामहिम, हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा और हम पूरी जिंदगी अली अली कहते रहे। तो क़यामत में हम क्या करेंगे? किसी और के साथ जाएंगे? हमने तो किसी का नाम मुंह पे लिया भी नहीं है। अमल करना तो दूर की बात है, हम तो अली ही के पीछे जाएंगे। तो अली के पीछे जाने का हक कब इस्तेमाल होगा? जब इंसान अली जैसा बनने की कोशिश करेगा, अली जैसा बने कोशिश करेगा।
और ये कोशिश उस वक्त कामयाब होती है कि जब इंसान अपने नफ्स से गुजर जाए और अपनी मर्जी इस्तेमाल किए बगैर खुदा की मर्जी पर राजी हो जाए। मैं इस बात को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि ईमान तकवा इंसान की हिदायत का मफहूम किस मंजिल पर होना चाहिए और उसमें कितनी कुव्वत और कितनी अजमत होना चाहिए, यह हमारी हिदायत की है हमारे पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। इमाम पंजुम जिनका लकब बाकिर है, इनके एक सहाबी वो हैं जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। पैगंबर से इन्होंने एक सवाल किया था कि हुजूर कुरान में आया है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो रसूलुल्लाह की इताअत करो और साहिबाने अम्र की इताअत करो, तो मैं अल्लाह को पहचानता हूं रसूलुल्लाह की इताअत में हूं, ये उलिल अम्र कौन लोग हैं? तो पैगंबर ने तफसील से बयान किया था कि उलिल अम्र वो हमारे जानशीन और खुलफा हैं जो हमारे बाद आएंगे, फिर नाम लिए हैं कि मेरे बाद अली इब्ने अबी तालिब, उनके बाद हसन इब्ने अली, उनके बाद हुसैन इब्ने अली, उनके बाद अली इब्ने हुसैन, और उनके बाद जो आएगा उसका नाम मेरा नाम होगा, उसका लकब बाकिर होगा, और जाबिर जब तुम उससे मुलाकात करना तो उसे मेरा सलाम कह देना। अब ये अमानत लिए हुए बाकिर को ढूंढ रहे हैं, या बाकिरो या बाकिरो या बाकिरो, गलियों में घूम रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, या बाकिरो। लोग कहते हैं इनका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन वो या बाकिरो कह रहे हैं। एक दिन चौथे इमाम से मिलने के लिए गए तो एक नौजवान को देखा, वो शक्लो शमाइल, वो शबाहत जो पैगंबर ने जिक्र फरमाई थी वो महसूस हुई। कहते हैं साहबजादे थोड़ा सा आगे आइए। वो आगे आए, कहा थोड़ा पीछे जाइए। वो पीछे गए, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से, कहने के मैं देख रहा हूं कि वही शबाहत है जो पैगंबर ने बताई थी। तो इमाम फरमाते हैं कि जाबिर वो अमानत क्यों नहीं देते हो, वो क्यों नहीं पहुंचाते हो जो रसूलुल्लाह ने तुम्हारे हवाले की थी। का मौला उसी अमानत को देने के लिए तो मैं परेशान हूं, दर दर भटक रहा हूं, आपको ढूंढ रहा हूं। का आपके जद ने आपको सलाम कहा है, का मेरा सलाम तुम पर हो और मेरे जद रसूलुल्लाह के ऊपर। ये तारुफ है उनका। अब जनाब जाबिर जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं उनका आलम यह है, यह भी एक अस खुद गुज़श्तगी है या गोया इनके सारे नफसी है कि एक बूढ़ा जो नाबीना होने की हद तक पहुंच गया हो, बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र हो, वो एक बच्चे के सामने अपने जानुए अदब तय करे और उससे कस्बे फैज करे, बहुत बड़ी बात है। तो अब जब दर्स हो रहा है तो इम्तिहान भी होगा। इमाम ने एक दिन इम्तिहान लिया जाबिर का, कहा जाबिर तुमने 6 मासूमों की सोहबत इख्तियार की है, पैगंबर इस्लाम का जमाना देखा, मौलाए कायनात के साथ रहे, इमाम हसन का साथ दिया, इमाम हुसैन का साथ दिया, तुमने मेरे वालिद गिरामी का जमाना देखा, खुद मेरे साथ इतने दिन से उठ बैठ रहे हो, ये बताओ तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी फजीलत किस मंजिल के ऊपर है?
तुम ईमान और तकवे की किस मंजिल पर पहुंचे हो? कहा मौला मैं आपके सामने जबान खोलूं, मैं आपके सामने बयान करूं? कहा हां मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं कि तुमने इतने मासूमों के साथ जिंदगी गुजारी है, उनसे फैज उठाया है, इस्तफादा किया है, यह बताओ कि तुम्हारा ईमान जो है वो किस मंजिल पर पहुंचा? कहा मौला मुझ में हिम्मत नहीं है। लेकिन जब इमाम ने इसरार किया, कहा आप इसरार कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं। और अजीजो जो कुछ बताया वो अगर हम झूठ भी बोले तो नहीं बता सकते। जाबिर क्या कहते हैं? जाबिर कहते हैं कि मेरा ईमान, मेरा तकवा, मेरी खुदा परस्ती इस मंजिल पर पहुंची है कि मुझे फकीरी दौलतमंदी के मुकाबले में अच्छी लगती है, मुझे बीमारी सेहतमंदी के मुकाबले में अच्छी लगती है, मुझे मौत जिंदगी के मुकाबले में अच्छी लगती है। इम्तिहान हो गया। हमारे हिसाब से जाबिर ने बहुत बड़ी बात कही है जो हम चाहें तो नहीं कह सकते। कभी टटोलिएगा अपने कल्ब को, इसलिए कि हम इसके लिए आमादा ही नहीं है। ये जाबिर का ईमान है। तो क्या आप समझते हैं कि जाबिर इम्तिहान में पास हो गए, फेल हो गए? का जाबिर यहीं तक पहुंचे हो? का मौला जो था बयान कर दिया। और मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जाबिर किसी ऐसे वैसे के सामने नहीं बयान कर रहे हैं कि जो चाहे बयान कर दें, उसके सामने बयान कर रहे हैं जो दिलों की नीयत से वाकिफ है। लिहाजा अगर झूठ भी बोलना चाहे माज़ अल्लाह, पहली बात तो ऐसी कोई इम्कान नहीं है, तो गलत बयानी से काम नहीं ले सकते हैं। कहा मौला जो था बयान कर दिया। कहा बस? कहा अब इसके आगे आप बताएं कि आपके ईमान की, आपके तकवा की मंजिल क्या है। जाबिर ने अपने इम्कान की हद तक अपने ईमान को, अपने तकवा को, अपनी रजा को बयान कर दिया कि हम खुदा के राह में अपने आप से कैसे गुजर गए हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कैसे मार दिया है। लेकिन इमाम के एतबार से, उनके मेयार के एतबार से जाबिर इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। जाबिर ये मैं क्या है, मैं इसे बेहतर समझता हूं, मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं, मैं तंगदस्ती को बेहतर समझता हूं, मैं मौत को बेहतर समझता हूं, मैं बीमारी को बेहतर समझता हूं, यह मैं कहां से आया? क्या मतलब? कहा ये मैं कहां से आया? ये मैं का मतलब ये है कि तुम्हारी अपनी कुछ पसंद है। हम अहले बैत का मिजाज ये है कि हम खुद अपने लिए कुछ पसंद नहीं करते, खुदा हमारे लिए पसंद करता है, जो पसंद करता है वही हम पसंद करते हैं। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी मर्जी हमारी नहीं है बल्कि खुदा की मर्जी है। हमारी अपनी कोई पसंद नहीं है। यही वजह है कि जितने अइम्मा हैं सबकी सिफत यह है कि खुदा की रजा पे राजी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनकी रजा लोगों के सामने ऐसे जाहिर होती है कि लोग उनका नाम भूल जाते हैं और रजा ही के नाम से उन्हें जानते हैं। आज हमारे आठवें इमाम हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत के मुताबिक शहादत की तारीख है। बाज़ लोग एतराज भी करते हैं कि ये उलमा बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते हैं कि मसलन एक तारीख। देखें, इख्तलाफ इस बुनियाद के ऊपर है कि जिस जमाने में ये वाकये हुए हैं, हमारा तकिये का जमाना था, हमारी मजलूमियत का जमाना है। अगरचे आज भी मजलूमियत का जमाना है, लेकिन वो मजलूमियत और थी।
और जहां तक तारीख के तायुन का सवाल है, इसमें फायदा ही है। अगर दो तारीखों में इमाम का तस्करा हो जाए तो जो इस तारीख में शरीक नहीं हुआ है कम से कम दूसरी तारीख में शरीक हो जाएगा, इससे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अगर किसी इमाम ने अपने आप से गुजर के अपने नफ्स को कुचल के खुदा की रजा के ऊपर अपने आप को चलाया है तो उसका नाम रजा पड़ जाता है। यह गलत है कि मामून ने उन्हें लकब दिया था। हम जालिमों के तोहफे कबूल नहीं करते, गासिबों के तोहफे कबूल नहीं करते। खुदा का तोहफा है ये, रजा खुदा का तोहफा है। बाज लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी कहा था कि शैतान ने अजदहे की शक्ल में आकर के उनका अंगूठा चबाना शुरू किया था और उसके बाद गैब से, यानी गोया शैतान की नहीं, शैतान की आवाज नहीं थी, अंत ज़ैनुल आबिदीन, ये खुदा के हातिफ की आवाज थी, इलाही गैबी आवाज थी। इसलिए कि आले मोहम्मद गैर खुदा से कोई चीज कबूल नहीं करते। ये रजा जो है वो इमाम रजा का लकब खुदा की तरफ से है। तमाम अइम्मा में इमाम रजा अलैहि सलातो वस्सलाम की हैसियत एक इनफरादी हैसियत है। आप देखें कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम जितने भी गुजरे हैं अक्सर औकात ये जेलों में रहे, कैदखानों में रहे हैं, लेकिन इमाम आठवें इमाम के जमाने का जो जालिम है वो सिर्फ जालिम नहीं है, बड़ा फितीन, बड़ा मक्कार, बड़ा फरेबी, चालाक दुश्मन से मुकाबला पड़ा है। मेरे पास वक्त होता तो मैं तफसील से आपके सामने मामूर रशीद की वो तमाम हरकतें आपके सामने बयान करता कि जो इमाम के साथ उसने की हैं, और उसके तौजीहात भी बयान करता। लेकिन यहां के ऊपर मैं गुजर जाना चाहता हूं कि इमाम जो अल्लाह की मर्जी के ऊपर राजी हैं उन्हें मजबूर किया जा रहा है वली अहदी के ऊपर। ये वली अहदी क्या चीज है? हारून रशीद के दो बेटे, एक मामून एक अमीन। हारून रशीद ने अपने जमाने में हुकूमत का फैसला कर दिया, उसकी तकसीम कर दी ताकि बाद में भाइयों में आपस में इख्तलाफ न हो। मामून अजम का बादशाह, अमीन अरब का बादशाह। मामून अपनी जगह देख रहा है कि जब तक अमीन का हिस्सा न ले ले तब तक उसकी बादशाहत मुकम्मल नहीं। अमीन का भी यही ख्याल है कि अगर ये साहब मौजूद रहे तो हमारी बादशाहत जो है वो वहदउल्ला शरीक नहीं रहेगी, लिहाजा इनको खत्म करना चाहिए। दोनों में आपस में तसादुम हुआ, एक मारा गया एक कातिल बना। आप देखें कि जो अपने सगे भाई को हुकूमत की खातिर कत्ल कर रहा है वो इमाम रजा की बारगाह में हाथ जोड़े खड़ा है कि आप हुकूमत ले लीजिए। जो अपने भाई को कत्ल कर रहा है वो इमाम से कह रहा है कि आप हुकूमत ले लीजिए। जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत दे नहीं रहा है बल्कि हुकूमत के जेरे साया जो बगावतें सर उठा रही हैं उनको कुचलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत और आम मुसलमानों का हुकूमत वक्त से नाराज होना और उसमें अमीन के कत्ल के बाद अब्बासियों की नाराजगी, ये तमाम चीज जो है वो सबब बनी कि मामून के खिलाफ मुसलमान उठ खड़े हों। अब इसके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मसलन ये इमाम रजा को अपना वली अहद बनाए या उनके हाथ में खिलाफत दे दे।
इमाम को मदीने से तलब किया जाता है, इमाम आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इमाम से कहा गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको लाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर खुद से आ जाएं तो ठीक है, वरना जबरदस्ती की जाएगी। इमाम समझ गए कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लिहाजा आप चले। रास्ते में नैशापुर से गुजर हुआ, नैशापुर में लोगों ने जब इमाम को अपने घर में मेहमान पाया, अपने शहर में मेहमान पाया, तो इमाम से गुजारिश की कि क्या आप हमारे शहर से गुजर जाएंगे और कोई एक हदीस भी बयान नहीं करेंगे, एक हदीस बयान नहीं करेंगे। हदीस की किताबें लिखी हुई हैं, हदीस बयान करने वाले, हदीस बनाने वाले, हदीस गढ़ने वाले कितनी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन इमाम की बारगाह में आजिजी के साथ इल्तिमास की जा रही है कि एक हदीस बयान कर दें। इमाम ने सवारी रोकी और हदीस बयान की। हदीस इस तरीके से बयान की कि मैंने अपने वालिदे गिरामी से, जिनका नाम यह है, उन्होंने अपने पिदरे बुजुर्गवार से, जिनका नाम यह है, उन्होंने अपने पिदरे बुजुर्गवार से, उन्होंने अपने पिदरे बुजुर्गवार से, यहां तक के रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने लौहे महफूज से यह बात ली है कि कलेमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमेन मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है वो मेरा किला है और जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज रह गया। इमाम की सवारी आगे बढ़ी, इमाम ने पर्दा उठाया और दोबारा कहा लाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा का किला है लेकिन शर्त और शरायत के साथ, वाना मिन शुरूतहा, मैं भी उन तमाम शरायत में से एक शर्त हूं, यानी मुझे मानोगे तो कलमा तौहीद का फायदा हासिल होगा, मेरा इनकार करोगे तो कलमा तौहीद का फायदा भी हासिल नहीं होगा। अजीजाने गिरामी, यहां पर रुक के मैं दो एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि पैगंबर के इस हकीकी जानशीन से पूछा गया है, कहा गया है कि आप एक रवायत बयान कीजिए, एक हदीस बयान कीजिए। सबसे पहली चीज यह है कि मुसलमानों के पास तो हदीस का एक जखीरा मौजूद है, आखिर क्या जरूरत है कि इमाम से इसरार करके हदीस सुनी जाए। यह इसरार करके हदीस सुनने का मतलब यह है कि किताबों की लिखी हुई हदीसें और हैं, फर्जंद पैगंबर की जबान से जारी होने वाली हदीस और फर्जंद रसूल ने भी सनद के साथ हदीस को बयान किया। मुसलमानों ने सनद का मतालबा नहीं किया था कि आप सिलसिला सनद बयान कीजिए कि किसने किससे सुना, किसी ने मतालबा नहीं किया था, लेकिन इमाम ने सिलसिला सनद बयान करके बताया कि हम हदीस बयान करने में तुम्हारे सिलसिले के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारा सिलसिला है जो हमारे आबाओ अजदाद से रसूलुल्लाह तक पहुंचता है और रसूलुल्लाह से खुदा तक पहुंचता है, हमारा सिलसिला और है, तुम्हारा सिलसिला और है। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी के साथ साथ जब इमाम हदीस बयान कर रहे थे तो तारीख बताती है कि 24,000 कातिब लिखने वाले कलमकार अपने हाथों से हदीस को लिख रहे थे। यह हदीस जबानी हमको भी याद है, आपको भी याद है, लिखने की क्या जरूरत नहीं, हदीस महफूज रह जाए जैसे फर्जंद पैगंबर ने कहा है वैसे ही लिख ली जाए ताकि बाद में किसी किस्म का शुबहा न रहे। इसी के साथ साथ एक बात और समझ में आती है कि ये 24,000 कलमदान आज ये बता रहे हैं कि कल तुमने एक कलम रसूल को नहीं दिया था। आज फर्जंद पैगंबर हदीस बयान कर रहा है
और लिखने के लिए 24,000 कलमदान मौजूद है, यानी गोया तारीख इंतकाम ले रही है कि हर जगह तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। आज एक हदीस लिखने के लिए 24,000 कलमदान, और इमाम इंतहाई आजादी के साथ बता रहे हैं कि लाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा, शर्त और शराइत के साथ ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो किले परवरदिगार है, व आना मिन शुरूतहा, मैं भी शराइत में से एक शर्त हूं कि अगर मेरी रियायत की गई तब तो तुम्हें कलमा तौहीद फायदा देगा, और अगर मेरी रियायत न की गई तो कलमा तौहीद और कलमा रिसालत भी फायदा तुम्हें नहीं देगा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब बात यहां तक आ गई है तो अर्ज कर दूं कि खुदावंद आलम ने जो नियाबत का सिलसिला कायम किया है उसमें यकसानियत यकजहती हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। एक शख्स, यही नशापुर की बात है कि एक शख्स भागा हुआ आया था जिसने किसी जमाने में जुहफा में जाके मीकात के ऊपर हज का एहराम बांधा था और जुहफा में सो गया था, तो उसने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और उनके सामने एक तबक में खजूर रखे हुए हैं। तो मैंने हुजूर से इशारा किया तो हुजूर ने एक मुट्ठी भर के खजूर हमें दिए। जब मैंने उसे गिना तो वो 18 थे। जहन में मुख्तलिफ ख्याल आया कि 18 का मतलब यह है कि 18 दिन जिंदा बचेंगे, 18 महीने जिंदा बचेंगे, 18 साल जिंदा बचेंगे। बहरहाल 18 दिन गुजर गए तो महीने के ऊपर बात आ गई, महीने गुजर गए तो साल के ऊपर बात आ गई। हमने ये सुना कि फर्जंदे पैगंबर आए हुए हैं और नशापुर में ठहरे हैं। मैं मस्जिद में गया तो देखा जैसे पैगंबर मस्जिद जुहफा में बैठे थे मेहराब के सामने, वैसे ही इमाम रजा बैठे हुए हैं और उनके सामने वैसे ही एक तबक में खजूर रखे हुए हैं। मैंने वही तरीका अपनाया जो पैगंबर के सामने अपनाया था। हुजूर ने हाथ बढ़ा करके एक मुट्ठी खजूर दिए, मैंने फौरन उसे गिनना शुरू किया। गिना तो 18 ही थे। मैंने कहा हुजूर कुछ इजाफा कर दें, तो उन्होंने जवाब दिया अगर मेरे जद ने इससे ज्यादा दिए होते तो मैं भी ज्यादा देता। अब दुनिया देखे कि वसीय पैगंबर के इख्तियारात का आलम क्या होता है। सिर्फ जागते में नहीं बल्कि सोते में भी अगर मुशाबहत होती है तो दिखाई देती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर 18 खजूर वहां है तो 18 खजूर यहां भी हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर का ये वसी हुकूमत के जेर साया ले जाया जा रहा है। इमाम पहुंचे, गुजारिश की गई, इमाम ने मना कर दिया कि नहीं मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम ने मना कर दिया, कहा अच्छा हुकूमत नहीं चाहिए तो वली अहदी ले लीजिए। आप देखें कितना बेअकली का मामला है। जो आदमी पूरी हुकूमत नहीं ले रहा है उसको आधी की पेशकश हो रही है, शर्त और शराइत के साथ कि जब मैं मरूंगा तब आपको यह हुकूमत मिलेगी। इमाम कहते हैं जब मैं पूरी लेने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं आधी क्यों लूंगा। मैं यहां तक आपको लाना चाह रहा था कि एक तरफ आले मोहम्मद का शिकवा यह है कि हमारा हक लोगों ने छीना है, कदम कदम के ऊपर इसका इजहार भी है, अइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के यहां खुतबात में इसका बयान है, तफसीली तौर पे मकातीब में भी ये मिलता है। दूसरी बात ये नहीं समझ में आती है कि जब वो दो दस्ती तकदीम कर रहा है कि आप इसे ले लीजिए तो इमाम ने लिया क्यों नहीं, कभी गौर किया इसके ऊपर क्यों नहीं लिया। अभी तो आप कह रहे थे कि यह हमारा हक है, जब मिल रहा है तो ले लीजिए।
आप देखें आले मोहम्मद की मजलूमी, आले मोहम्मद की मजलूमी सिर्फ ये नहीं है कि उनके गले पे खंजर चला है, आले मोहम्मद की मजलूमी सिर्फ यही नहीं है कि उन्हें असीर करके दयार बदयार फिराया गया है। आले मोहम्मद की मजलूमियतों में से एक मजलूमी यह भी है कि उनके साथियों को शिकंजा करके शहीद किया गया है। हुकूमत लेने का मतलब क्या है? एक आदमी अगर हुकूमत ले ले तो हुकूमत चलाने के लिए केडर चाहिए, हुकूमत चलाने के लिए अफराद चाहिए। अगर सिर्फ एक आदमी बदल दिया जाए तो क्या हुकूमत बदल जाती है? नहीं, काम करने वाले वही हैं। हां, नाम बदल जाएगा। अभी तक पुराने सल्तनत के मालिक के पास या उसके ऊपर इल्जाम आता था, अब इसके ऊपर इल्जाम आएगा। हुकूमत चलाने के लिए अपने हममिजाज अफराद चाहिए। इमाम क्यों नहीं ले रहे हैं? एक तरफ शिकवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं ले रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि आले मोहम्मद के चाहने वालों को जेलों में, कैद खानों में रख करके उन्हें खब्तुल हवास बना दिया गया, सड़ा दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब इमाम का कोई चाहने वाला या इमाम के मिशन को आगे बढ़ाने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसके सहारे इमाम कोई काम आगे कर सके। मामून क्या चाहता था? कि नाम इनका हो, काम हमारा चले, सबकी समझ में यह बात आ जाए कि हुकूमत किसकी है, इमाम की है। तो जो हाल अभी उठ रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा कि भाई अभी तक तो मामून की हुकूमत थी, तुम बगावत कर रहे हो, अब अपने इमाम की हुकूमत के सामने बगावत कर रहे हो। काम वही करने वाला था। सारे अब्बासी कारिंदे जो हैं वो हुकूमत के ऊपर काबिज रहते। कितना अजीब मौका है इमाम के लिए, लेते हैं तो नहीं बनता है, नहीं लेते हैं तो नहीं बनता है। आप देखें अब्बासी हुक्मरान ने किस तरीके से इमाम को दो सूरतों में महसूर कर दिया था। उसका यह ख्याल था कि इमाम के सामने हम हुकूमत पेश करेंगे, अगर इन्होंने ले लिया तो भी हमारी जीत है, इसलिए कि इनके पास केडर नहीं है। तो नाम इनका बदनाम होगा, काम हमारा होगा, हमारी जीत है। और अगर नहीं लिया तो उससे बड़ी जीत है कि अभी तक तो ये शिकवा कर रहे थे कि हमारी हुकूमत, हमारा हक, अब तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो आज से पहले गजबी हुकूमत का तो तसव्वुर हो सकता था, लेकिन जब इमाम खुद नहीं लेंगे तो फिर हमें यह कहने का मौका मिलेगा कि हम तो दे रहे थे, ये खुद राजी नहीं है। तो आज से पहले तक तो गस्ब का इम्कान है, लेकिन आज के बाद तो मजबूरन मैं चला रहा हूं, मैंने दिया था नहीं लिया इन्होंने। तो वो चाहता था अपने किरदार को बिल्कुल बेदाग कर ले, हमारी जाने कुर्बान हो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बसीरत के ऊपर। वो ये समझा था कि या इमाम हुकूमत लेंगे या नहीं लेंगे, अगर ले लेंगे तो हम इन्हें बदनाम करेंगे कि ये जानमाज के ऊपर उसी वक्त तक दिखाई देते हैं जब तक हुकूमत नहीं मिलती है, जब हुकूमत मिल जाती है तो तख्त सल्तनत ले लेते हैं, हमें बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। यानी इनका तकवा जो है वो हकीकी तकवा नहीं है। और अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें हमारी हुकूमत जायज तरीके से मिलेगी कि अब तक तो गासिब हो सकती थी लेकिन अब इमाम ने दी है, लिहाजा इमाम की दी हुई हुकूमत यह गासिब नहीं हो सकती। इसने समझा था यही दो मिसालें होंगी, लेकिन इमाम की बसीरत ने पूछा कि यह बताओ कि यह तुम्हारे पास आई कैसे, ये जो तुम सखावत दिखा रहे हो और हमें देना चाह रहे हो ये तुम्हारे पास आई कैसे? इसलिए कि अगर चोरी का माल कहीं से पकड़ा जाता है तो चोर से पूछा जाता है कि ये बताओ ये माल कहां से चुराया, वो सरकारी गवाह बनना चाह रहा था कि माल दे करके हम जान छुड़ा लें, लेकिन इमाम ने गरीबान पकड़ लिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? अगर खुदा ने दिया है तो खुदा की दी हुई चीज
तुम खुदा की मर्जी के बगैर किसी और को कैसे दे सकते हो? और अगर तुम्हें खुदा ने नहीं दिया है तो जो खुदा की चीज है उसे तुम्हें बांटने का इख्तियार क्या? जो अभी तक यह समझ रहा था कि हमने आठवें इमाम को अपने जाल में फंसा लिया है, इमाम ने तारीखी जुमला कह करके आने वाली नस्लों को मुतवज्जे कर दिया कि देखो मैं इसके फंदे में नहीं फंसा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू के जरिए से, मैं अपने खुतबे के जरिए से, मैं अपने शर्त शरायत के जरिए से अपनी मजलूमी भी बयान कर रहा हूं और इसकी हकीकत भी बयान कर रहा हूं। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ने कहा यह आया कहां से तुम्हारे पास? अगर खुदा ने तुम्हें दिया है तो तुम किसी और को कैसे दे सकते हो खुदा की दी हुई चीज? और अगर खुदा ने नहीं दिया है तो खुदा की चीज तुम बांट रहे हो? इमाम ने सवाल उठाया। वहीं से उसका जहन बदला कि हम तो इनसे काम लेना चाहते हैं और ये हमारे पूरे मिशन को बर्बाद करना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि इमाम का सिक्का भी चला, इमाम का खुतबा खुतबे में नाम भी आया, लेकिन इसी के साथ साथ साजिशें चल रही थीं कि इन्हें रास्ते से हटाया कैसे। कई मर्तबा जहर दिया गया है, कभी अनार के शरबत के साथ, कभी अंगूर से जहरीली सुई गुजार करके, कभी किसी और तरीके से खुरमे के साथ। इमाम से इसरार करता है कि इस अंगूर को आप खाइए, इससे बेहतर आपने न देखे होंगे। इमाम ने फरमाया इससे बेहतर बहिश्त में पाए जाते हैं। क्या आप मुझे शक भरी निगाह से देख रहे हैं? इमाम ने उसके इसरार के ऊपर दो तीन अंगूर खाए, आबा सर पर डाली और चले। पूछा कहां जा रहे हैं? कहां जहां तुमने भेजा है। गुर्बत का आलम, परदेश में न घर वाले साथ, न बेटा सरहाने, लेकिन मैं आवाज दूंगा कि मौला आपका बेटा बएजाज आपके सरहाने मौजूद था। उसने वसीयतें भी सुनी, उसने गुस्ल कफन का इंतजाम भी किया, उसने जनाजे को तैयार भी किया और तैयार करने के बाद वो आंखों से निगाहों से गायब हो गए। बड़ी शान से जनाजा उठा, पूरे ममलिकत में तातील कर दी गई, शोक का ऐलान कर दिया गया। जनाजा उठा और तशी जनाजा में पूरा सरकारी अमला पूरे शान और शौकत के साथ शामिल हुआ। लेकिन आज भी हम जब इमाम रजा को सलाम करते हैं तो एक लकब से सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा। अरबी में गरीब मुसाफिर को कहते हैं, बेवतन को कहते हैं। करबला में दफन होने के बावजूद हुसैन गरीब अल गुरबा नहीं है, गरीब हैं, अपने वतन से दूर हैं, लेकिन अरब की सरजमीन के ऊपर। लेकिन चूंकि ये अरब की सरजमीन से भी आगे फारस में जाके तदफीन हुए हैं, दफन हुए हैं, लिहाजा इनका लकब है गरीबुल गुरबा। जब हम बना हुआ रौजा देखते हैं, खुदा की कसम दुनिया में कोई इमारत, कोई साख्तमान, कोई महल इससे बेहतर नहीं है जो इमाम रजा की कब्र के ऊपर इमारत बनी हुई है। दिल नहीं चाहता कि आपको गरीबुल गुरबा कहें, दिल चाहता है कि बाकी के सोने वालों को गरीब, जो मदीने में रह करके साहिबान के नीचे नहीं है, दिन की धूप
उनकी कब्रों को गरमा रही है। आइए आकर के बकी के उन सोने वालों को, मकबरे वालों को सलाम करें कि गरीबों तुम पर हमारा सलाम। अपने वतन में रह करके गुर्बत झेलने वालों तुम पर हमारा सलाम। अजीजाने गिरामी, इमाम जवाद ने आकर के गुस्ल कफन का इंतजाम किया था। शहीद इमाम ने अपनी तसल्ली जाहिर की, इमाम को दफन कर दिया गया। आपकी निगाहों के सामने पूरे वाकयात हैं। मैं सिर्फ इतना इशारा करना चाहता हूं कि अगर बेटा होता है तो वसीयत भी तमाम हो जाती है, इसलिए कि जो वसीयत करने वाला होता है वो लेटता है, जो वसीयत सुनता है वो सरहाने बैठता है। हमने ये रस्म रवाज करबला में उठता हुआ देखा, जो वसीयत करने वाला है वो सरहाने बैठा है, जो वसीयत सुन रहा है वो लेटा हुआ है। सैयद सज्जाद, जब छुट के मदीने जाना तो हमारे चाहने वालों को हमारा सलाम कह देना, कहना शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना, और जब किसी बेवतन और मुसाफिर की मैयत को देखना तो हमारी गुर्बत के ऊपर मातम कर लेना, इसलिए कि हमें 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के दयार में गुर्बत के आलम में शहीद किया गया। न कोई पानी देने वाला था, न कोई दफन करने वाला। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़ ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा وبحق الأئمة التسقة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين। پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، जिन मरहूम के इसाल सवाब की मजलिस है उनको जवार रहमत में जगह इनायत फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि तेरी ज़ात और हमारे ज़माने के इमाम हमसे राज़ी न हो जाए। दुनिया में हमें ज़ियारत मोहम्मद व आले मोहम्मद और आखिरत में उनकी शफात नसीब फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व नफाक व इल्हाद को सरनगुं फरमा। उलमाए आलाम और मराज कराम की हिफाजत फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। अहले बैत के चाहने वाले गोशा व किनारे दुनिया में जहाँ कहीं भी हों उनकी जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम अगर इस लायक नहीं हैं कि वो इस्लाह हो सकें तो उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। वली बरहक वारिस ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके नासिरों मददगारों और ग़ुलामों की फहरिस्त में शामिल फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। एक सूरह फातिहा जुमला मोमिनीन व मोमिनात के साथ मरहूम व मग़फ़ूर सैयद हसन रज़ा ज़ैदी की रूह को इसाल फरमा दे।